बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आज यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से इस मंच को प्रणाम करने से पहले कहना चाहती हूं कि पूरे हिंदुस्तान की नजर घड़ी है आज के इस कार्यक्रम पर। भारत की जनता उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही है कि अमेठी में भारत के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी क्या कहेंगे। विकास का, सुशासन का, भारत के प्रति क्या संभावनाएं हैं उसे अपने मार्गदर्शन में दर्शाएंगे। लेकिन इन 25 दिनों के प्रचार में गांव गांव गली गली जो आवाज अमेठी में गूंजी है, आज वही आवाज पूरा भारत भी सुने। इस मंच से, इस मैदान से हम कहें कि अमेठी है तैयार, अब की बार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, मंचस्थ जिन्होंने एक माह मेरा इस संघर्ष में साथ दिया, नेतृत्व किया, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिला अध्यक्ष दयाशंकर जी, तेजवान दादा जन्ना प्रसाद जी, मंचस्थ दल बहादुर कोरी जी, रामलखन पासी जी, महेंद्र सिंह जी, रश्मि सिंह जी, मंचासीन सुधा यादव, सुधा मलैया जी, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित प्रतिनिधि पदाधिकारी, और आज इस विशाल जनसमूह में, कण कण में मोदी में हुए हमारे कार्यकर्ताओं को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। यह चुनाव अमेठी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि लोगों को ये कहीं ना कहीं शक था, संदेह था कि यह गांधी परिवार का गढ़ है। जब प्रत्याशी के रूप में मेरी घोषणा हुई, तब कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आपने राहुल को ललकारा है। मैंने कहा नहीं भैया, अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है। और आज जो जन सैलाब यहां उपस्थित है, वो सत्ता के मोह में यहां विराजित नहीं है। आज जो जन सैलाब यहां उपस्थित है, वो मात्र इस मंशा के साथ यहां आया है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में विकास की गंगा किस प्रकार से बहाएंगे, किस प्रकार से हर नौजवान, हर बेटी, हर परिवार का वो सपना पूरा कर पाएंगे। आज उसी का साक्षात अमेठी के नौजवान, अमेठी की जनता दर्शन करने आए हैं। मुझे आज भी याद है कि जब प्रचार की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने हम पर कटाक्ष किया, जब प्रचार की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने हमसे कहा कि ये गांधी परिवार का गढ़ है तो स्वर्ग से कम ना होगा। लेकिन आज मैं उनसे कहना चाहती हूं कि भैया, स्वर्ग में गड्ढे नहीं होते। आज मैं उनसे कहना चाहती हूं कि स्वर्ग में बिजली नहीं जाती। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी से अमेठी की जनता के दिल में उत्पन्न हुए विकास के प्रश्नों का जब जब मैंने सार्वजनिक स्तर पर उद्बोधन किया, उल्लेख किया, तो सवाल के एवज में आज तक जवाब नहीं मिला। इसलिए आज इस मंच से अमेठी पूछे एक सवाल कि वर्षों से इस जनता को रिश्तों के बोझ के तले दबाकर वोट लिया गया, लेकिन इस परिवार को कभी भी वो लोग जो सपना दिखाते रहे, इस परिवार के लिए कभी भी उस विकास के सपने को साकार न कर सके। बार बार एक एक विधानसभा का प्रश्न पूछा हमने। आज सुबह जायज के कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आए थे। ये वो लोग हैं जिनकी 16 साल की बेटियों पर कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस के नेताओं ने
एफआईआर मात्र इसलिए दर्ज करवाई है क्योंकि उन बेटियों ने राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करने की जुर्रत की है। इन परिवारों ने हमसे कहा कि चाहे वो जायज हो या जगदीशपुर, हमारी बेटियों को गोडाउन में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। आज अमेठी की जनता पूछे ये सवाल कि देश भर में महिला सशक्तिकरण पर भाषण करने वाले वो सांसद क्यों अमेठी की धरती पर बेटियों को शिक्षा का साधन नहीं दे पाते हैं। वो नेता जो देश भर में महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं, वो क्यों अमेठी में बेटियों के लिए डिग्री सरकारी कॉलेज नहीं खोलते हैं। आज कुछ ऐसे सज्जन भी यहां उपस्थित हैं जो अपनी मन की पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त नहीं करते हैं। हलियापुर क्षेत्र से राजेंद्र सिंह जी आए हैं, जिनके घर दो दिन पहले ही कांग्रेस की नेत्री जाकर आई हैं। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने अपने बेटे को 2006 में कारगिल के बटालिक क्षेत्र में खोया है। ये वो सज्जन है जिससे कहा गया कि अगर बेटे की शहीदी के लिए आपको कुछ चाहिए तो जा कि दो दो लोगों का टिकट, दो दो लोगों का साधन, दो दो लोगों के भोजन का आप प्रबंध कीजिए दिल्ली में। ये वो पिता है जिन्होंने खुद वर्दी पहन के एक वक्त भारत माँ के चरणों में शीश झुकाकर सेवा की है। ये व्यक्ति क्योंकि आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे थे, ये दिल्ली के दो दो बार चक्कर लगाकर आए, लेकिन ना राहुल गांधी मिले, ना उन्हें वो वेतन, वो पेंशन, वो सहारा मिला, ना गैस की वो एजेंसी मिली, ना पेट्रोल पंप मिला जिसका सपना दिखाकर दलाल इन्हें दिल्ली ले गए थे। आज अमेठी में ऐसे किसान भी मिलने आए जिनसे तेजभान दादा ने पूछा कि आज तुम आकर प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी को देखने वाले हो, कभी राहुल गांधी को देखा? कभी राहुल गांधी ने आकर तुम्हारी पीठ थपथपाई? तो किसान ने कहा, क्या मजाक करते हो दादा, पीठ तो नहीं थपथपाई, लेकिन खाद की लाइन में जब किसान खड़ा था तो पुलिस से लाठी चार्ज करवा के पीठ लाल करवाने का काम जरूर किया है। लेकिन जब जब हमने विकास से संबंधित इन प्रश्नों को किया, तब तब कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष के सिवा कुछ नहीं किया। एक नेत्री ने तो यहां तक बोल डाला कि अगर राजनीति करनी है तो दरिया दिल होना चाहिए इंसान। आज मैं कांग्रेस के नेता से पूछती हूं, क्या महिला का रात को मुंह छिपाकर शौच के लिए घर से बाहर जाना ये दरिया दिली का प्रतीक है? क्या एक शहीद के पिता के लिए तरसना ये दरिया दिली का प्रतीक है? क्या खाद के लिए किसान का डंडे खाना ये दरिया दिली का प्रतीक है? तो इस भावना के साथ कि भारत के भावी प्रधानमंत्री, जिन्हें अमेठी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी हुआ है, अमेठी की पीड़ा को जिन्होंने स्वयं समझा भी है, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके आज इस मैदान से विजय घोष होगा, आज इस मैदान से जय घोष होगा, आज इस मैदान से हर वो कार्यकर्ता घर को जाएगा, एक ही मूल मंत्र दोहराएगा, अमेठी है तैयार अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।